हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों से, तो चलिए आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सबों के लिए। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंस, जो कि आपको रेलवे या फिर एसएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, अभी जो भी सेंट्रल या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक बहुत ही नया तरीका बताने वाला हूँ इस चैप्टर को बनाने का। इसे आप सीखकर किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, बिना पेन पेपर यूज़ किए अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले दो तीन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। इस प्रश्न में फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक स्पीड दी हुई रहती है जो कि किलोमीटर पर आवर में होती है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में एक स्पीड दी हुई रहती है। इसका मीनिंग हम समझेंगे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये जो स्पीड होता है हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में या किलोमीटर पर आवर में, इसका अर्थ सिंपली यही होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारी स्पीड है वो एक घंटे में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर अगर हम बोलते हैं तो इसका सिंपली मीनिंग होता है कि 1 आवर में हमारी जो भी व्हीकल है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसका सिंपल मीनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम 1 आवर को सेकेंड और इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 आवर को हम लिख सकते हैं, 1 आवर में आपको 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो टोटल फ्रेंड्स, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1000 मीटर होते हैं। चलिए अब इसमें से हम 2 जीरो को कट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ वैल्यू मिल जाती है 36 सेकेंड की। 36 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल करेगी हमारी जो भी ट्रेन है या फिर जो भी व्हीकल है, बाइक है, साइकिल है या जो भी है, वो 36 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। 1 किलोमीटर पर आवर का सिंपली मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 आवर में, 1 आवर में जो है हमारी व्हीकल वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब अगर हम इसे मिनट मीटर और सेकंड में ब्रेक करें तो क्या मिलेगा हमें, इसे मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसे मैं ब्रेक करता हूँ तो यहाँ हमें मिल जाता 3600 सेकेंड, और इधर हमारा मिल जाएगा 60 × 1000 मीटर, 1000 ये मीटर फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसे हम कट करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 जीरो कट हो जाएगा और हमें फिर 36 सेकेंड की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 60 × 10 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इसमें, और यहाँ जो हमने निकाला 1 किलोमीटर पर आवर का जो निकाला रिजल्ट, ये रिजल्ट और इस रिजल्ट, ये दोनों में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखती है। इसमें 36 सेकेंड लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी 36 सेकेंड ही है। इधर 10 मीटर जो है, यहाँ देखिए 1 किलोमीटर पर आवर का हमने स्पीड लिया था, तो ये इसको बोल सकते हैं 1 × 10, तो 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हमने लिया तो 1 × 10 मीटर, ये 10 मीटर जो राइट साइड में फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं, वही 10 मीटर यहाँ भी आपको है, यहाँ 10 मीटर वो आपको दिखाई दे रहा है, और हमने चूंकि स्पीड 60 की ली तो वो 60 यहाँ प्रोडक्ट में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारा जो भी स्पीड दिया हुआ रहेगा हम उसे सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, 36 सेकेंड इज इक्वल टू जो हमारा स्पीड है × 10 मीटर, ओके फ्रेंड्स। बस ये चीज आपको समझना है, जैसे मान लीजिए आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे सेकेंड और मीटर में, 36 सेकेंड इज इक्वल टू 20 × 10 मीटर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। बस इस स्पीड को आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना है, फिर आपका सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो
तो जैसे यहाँ 60 था तो बस इसके जगह 50 हम कर देंगे, बाकी मेरा 36 सेकेंड और 10 मीटर सेम रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 36 सेकेंड इज इक्वल टू 50 इंटू 10 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, इसे हम किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। तो चलिए इस मेथड को समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ लेते हैं। चलिए, ये रेलवे में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चलिए इसे मैं पढ़ता हूँ। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, हमें ये फाइंड करना है। फ्रेंड्स, इस 180 मीटर 180 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है वो अपनी ही समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ठीक है फ्रेंड्स, पार करने में 18 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहां से हमें एक कंक्लूजन ये तो दिखाई दे रहा है कि हमारा एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो सेम है। अगर हमारा ट्रेन 180 मीटर दिया हुआ है और यहाँ कहा है कि रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या है, 180 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी टोटल जो डिस्टेंस हो जा रही है ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को मिलाकर, वो टोटल जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 360 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 360 मीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो चूंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 18 सेकेंड में वो पार करती है रेलगाड़ी अपने मतलब प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ये जो 18 सेकेंड है, 18 सेकेंड में हमारी जो ट्रेन है वो 360 मीटर को क्रॉस कर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 सेकेंड में वो 360 मीटर क्रॉस कर जाती है। क्वेश्चन देखिए, वो जो कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये रही हमारी रेलगाड़ी ट्रेन, ठीक है, वो अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, समान लंबाई यानी दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी 180 मीटर प्लेटफॉर्म भी हमारा, ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये हमारा ट्रेन है, तो टोटल 180 प्लस 180 यानी टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 360 मीटर ट्रेवल कर रही है हमारी ट्रेन। ये जैसे मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है 180 मीटर की। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से मान लीजिए आपका, यहाँ से आपका प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई ये भी 180 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रेन की लंबाई हो गई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। ठीक है, यही 360 जो किलोमीटर है उसको क्रॉस करने में 18 सेकेंड का टाइम लग रहा है ट्रेन को। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि 18 सेकेंड इज इक्वल टू 360 मीटर। ठीक है, अब याद कीजिए आपको लेफ्ट साइड में 36 सेकेंड रहता था और राइट साइड में इंटू 10, ठीक है, 10 मीटर ये रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ जो आता था आपको ये प्रोडक्ट में वो आपका डिस्टेंस, ये स्पीड होता था ट्रेन का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो आपको प्रोडक्ट में आता था, तो चलिए हम इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे 36। तो इसको देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंटू 2, अगर हम कर देते हैं इसको इंटू 2, ये आपको हो जाएगा 36 सेकेंड इज इक्वल टू, तो आपको भी इधर इंटू 2 करना होगा, ये हो जाएगा 720 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो फॉर्मेट था आपको याद होगा, 36 सेकेंड इज इक्वल टू स्पीड जो भी यहाँ था इंटू 10 मीटर, ये रहता था फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका रहता था, और यहाँ जो हमारा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता था वो हमारा स्पीड रहता था, जो भी ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लिख सकते हैं 36 सेकेंड इज इक्वल टू 72 इंटू 10 मीटर, इसे लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें ध्यान से कंपेयर करके, तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि यहाँ 72 प्रोडक्ट में आया है, यही तो हमारा स्पीड है, ये जो है हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो यहाँ पे रहता है वो रहता है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो ये जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनेंगे फ्रेंड्स, आपको बस इस चीज़ का जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो ये मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो क्वेश्चन इस पर लेकर आऊँगा, आपको अगर समझ में आए, अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे लाइक करें अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको उसका बेनिफिट मिले। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।